प्रदीप मिश्रा ने जो बयान दिया है उससे संत दुखी हैं, तमाम भक्त दुखी हैं। ब्रज के कई संतों का मेरे पास फ़ोन आया कि आप कुछ कहिए। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य एवं विश्व हिंदू सिख महापरिषद का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं प्रदीप मिश्रा जी से कह रहा हूं कि आप क्षमा मांगिए। आपके इस बयान से लाखों संतों को दुख है, लाखों भक्तों को दुख है। आपने जो बयान दिया है निश्चित रूप से यह अशास्त्रीय बयान है। हो सकता है कि कहीं आप पढ़ लिए हों, क्योंकि बीच में मुगल काल में विधर्मियों के द्वारा बहुत कुछ मिलावट भी की गई है, लेकिन आपको सोच समझ के बयान देना चाहिए। और ब्रज में संतों को आपके बयान से बड़ा कष्ट है, इसलिए मैं एक सुझाव के रूप में आपसे कहूँगा कि आप जो है एक वीडियो जारी करके साधु संतों से क्षमा मांगिए और अपने बयान को वापस लीजिए। यदि आप नहीं मानेंगे तो फिर आपकी कथा भारत में तो नहीं होने देंगे। आपको लाखों की संख्या में लोग सुनते हैं और हम चाहते हैं कि आपके द्वारा जो यह बयान दिया गया है उसको आप वापस लीजिए। और अगर आप जिद पर अड़े रहेंगे तो ब्रज के तमाम संतों को बहुत कष्ट है और जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए यदि आप क्षमा नहीं मांगते हैं, आपको सिर्फ 10 दिन का टाइम मैं दे रहा हूँ। 10 दिन के अंदर आपका अगर क्षमा आपने नहीं मांगा तो फिर भारत में कहीं भी आपकी कथा नहीं होगी और जहाँ भी आप कथा करेंगे मैं आपको मिलूँगा। प्रदीप मिश्रा जी एक अच्छे कथावाचक हैं, बावजूद इसके कि वो आए दिन इसलिए विवादास्पद बयान देते रहते हैं कि स्वयं को थोड़ा सा वायरल करना चाहते हैं, पूरे देश में छा जाना चाहते हैं, बावजूद इसके कि ऐसा नहीं करना चाहिए। पूर्व में भी उन्होंने वस्त्र को लेकर, महिलाओं के वस्त्र को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी जो पूरे देश में चर्चा का विषय रहा था। अब राधा रानी जी के विषय में इस प्रकार से बयान देना पूरे सनातन समाज के लिए आहत करने जैसा है और मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करते हुए निवेदन करता हूँ अयोध्या से दिवाकराचार्य महाराज कि आप एक अच्छे कथावाचक हैं और आपको पूरे भारत में लोग जानते हैं, अभी तो पूरे विश्व के सनातनी बंधु जानते हैं, लोग आपको सुनते हैं, फॉलो करते हैं। जब आप स्वयं इस प्रकार से बयान देंगे, आपत्तिजनक बयान देंगे, तो क्या मैसेज जाएगा देश दुनिया में? स्वयं आप बुद्धिमान हैं और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके आप स्वयं विचार करिए, उसकी समीक्षा करिए, पूर्णतया गलत है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और क्योंकि जग विदित है कि राधा रानी जी बरसाना से बिष्भान कुमारी हैं और उनको जो है कहीं और का बताना और एक नए तरीके से एक आप उदाहरण प्रस्तुत करना, ये अपने आप में थोड़ा सा ज़्यादा सिद्धि दिखाना होता है, यह नहीं स्वीकार किया जाएगा भारत में। जो वर्णन है वो बरसाने का ही है और बरसाने के वर्णन होने के कारण से सभी लोग जानते हैं कि राधा का घर बरसाने था और बरसाने जो है यमुना के उस पार था, इसलिए आने जाने के लिए भी व्यवस्था उनकी उस नाव से होती थी। तो बरसाने होने के कारण से जहाँ पर वर्षा बराबर हुआ करती थी और जो आनंददायक क्षेत्र है, इसलिए उसको बरसाने कहते थे। और बरसाने के रहने वाली राधा जी हैं और गोकुल के रहने वाले भगवान कृष्ण हैं और दोनों की दूरी है क्योंकि बीच में यमुना है, इस प्रकार से दोनों के शाश्वत संबंध है। और वह शारीरिक संबंध जो लौकिक होता वो नहीं है, आध्यात्मिक है, आत्मा आत्मा के दोनों के संबंध है। और इसीलिए राधा जी के कहीं पर भगवान कृष्ण के पत्नी के रूप में नहीं आता।